इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कि हम आरबीआई भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कि हम आरबीआई भी बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। फ्रेंड्स, ये अधिनियम भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है शुरुआत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1937 में। 1937 में फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां कौन बैठता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर है फ्रेंड्स, ये रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है यहां पर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, सर ऑसबॉर्न। सर ऑसबॉर्न जो थे ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो सर ऑसबॉर्न थे ये 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे। इनका कार्यकाल भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। फ्रेंड्स, ऊपर मैंने आपको बताया पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, जो मैंने जिसका आंसर मैंने आपको बताया सर ऑसबॉर्न। अब हमारा क्वेश्चन है पहले भारतीय गवर्नर, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, और इनका कार्यकाल था 1943 से 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किसका वृक्ष है, आपका आंसर होगा ताड़ का वृक्ष है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस जानवर की फोटो है, तो आपका आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर की फोटो है। ये दोनों फोटो है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान यानी कि 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं। आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिप्टी गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, आरबीआई के जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें एक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं प्रेजेंट में, और आपको पता होना चाहिए जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं 2021 में, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन और बी पी कानूनगो। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स, ये आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री की सलाह पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट में जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, वो महिला वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.5 लाख। 2.5 लाख जो है फ्रेंड्स, ये आरबीआई के गवर्नर की हर माह का वेतन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्षों का होता है आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल। और फ्रेंड्स मैं आपको बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई। आरबीआई ने फ्रेंड्स बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह फ्रेंड्स ऐसे वित्त मंत्री हैं भारत के जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन हिल्टन यंग कमीशन। फ्रेंड्स का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जिसे कि हम मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है और इस आयोग की सिफारिश से फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए का नोट पर, जिसे करेंसी नोट भी कहा जाता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछेंगे कि किस रुपए के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है, आपका आंसर होगा 1 रुपए के नोट को करेंसी नोट भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो थे फ्रेंड्स ये ऐसे गवर्नर हैं जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनमोहन सिंह थे फ्रेंड्स ये 15वें गवर्नर थे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन से नंबर के भारतीय गवर्नर थे तो फ्रेंड्स ये 13वें भारतीय गवर्नर थे। अब वैसे अगर हम बात करें तो ये 15वें गवर्नर थे आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उदय कुमार। उदय कुमार ने फ्रेंड्स रुपए के चिन्ह का निर्माण किया। फ्रेंड्स ये जो आप इस तरह का सिंबल देखते हो इसका जो निर्माण है फ्रेंड्स उदय कुमार ने किया है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीडी देशमुख आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष का। जो फ्रेंड्स ऐसे गवर्नर हैं आरबीआई के जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है ये 20 दिन तक ही गवर्नर रहे थे, और अमिताभ घोष जो थे फ्रेंड्स आरबीआई के 16वें गवर्नर थे और इनका कार्यकाल था 20 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव ऐसे गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के यानी आरबीआई के जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सर्वाधिक समय तक काम करने वाले व्यक्ति हैं बेनेगल रामाराव। वह 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक कुल 7 वर्ष 197 दिनों तक अपने पद पर कार्यरत थे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बोल सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत का सेंट्रल बैंक या बोल सकते हो केंद्रीय बैंक है। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 रुपए के नोट जो होता है इसमें शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास 2021 में आरबीआई के गवर्नर हैं और ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। ये भी आपने याद रखना है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई। 1 रुपए का नोट को छोड़ के फ्रेंड्स जो बाकी जितने भी नोट हैं उसे आरबीआई जारी करता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय जो है ये भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है। और वित्त मंत्रालय है ये 1 रुपए का नोट को जारी करता है। देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स देवास नोट प्रेस स्थित है। आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4% पर। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर बरकरार रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, रेपो रेट की बात करते हैं। जब हमें पैसे की जरूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हमें बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हमें बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी जब अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बैंक आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। फ्रेंड्स एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ रेपो रेट की, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वैसे एक और डेफिनेशन दे देता हूँ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, और बढ़ने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 3.35% पे। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को पहले की तरह 3.35% पे बरकरार रखा है। फिर जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जैसा इसके नाम से ही साफ है, यह रेपो रेट का उलट होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के काम आती है। बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 10.5%। फिर जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आरबीआई ने एमएसएफ को बैंक रेट क्या रखा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 4.25%। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड है एमएसएफ, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? सही आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई के। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये आरबीआई के संरक्षण में रहता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी आरबीआई। आरबीआई जो है फ्रेंड्स ये भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर